ना सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया जी, किसान का मजदूर का भी कर दिया, आर्थिक को हमारा भी कर दिया जी। यार मोदी आप दे फिर पता लगे हाँ मैं किसानों के वास्ते इस्तीफा दे रहा, एक बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रही है। अच्छा, जो दुष्यंत है ये तो सौदेबाज बंदा है, ये लीडर तो है नहीं, पहले तो इसने गरका सौदेबाजी करी, फिर इसने बीजेपी से सौदेबाजी करी। पंज दिन हो गया इतने बैठे, 18 तरीक के बैठे हैं, जे 10 दिन जोर पाएगा फिर तो इतने बिल्कुल रुल जाएगा, किसी ने पुछना भी नहीं। इतने किसान के साथ आज खास मुलाकात होगी और आज हम टोहाना की अनाज मंडी में पहुंच गए हैं और यहां पर देखेंगे जैसे सरकार दावे कर रही है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, उनको किसी प्रकार की फसल बेचने में दिक्कत नहीं आएगी, तो इसी को जानने के लिए आज हम टोहाना की अनाज मंडी में पहुंचे हैं। यहां किसानों से बात करेंगे कि किस प्रकार उनकी फसलों को लेकर कोई दिक्कतें आ रही है या फिर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो खुशी खुशी अपनी फसल बेच रहे हैं। आइए किसानों से जानते हैं। नमस्कार जी। तो सर कहाँ से आए आप? कन्नड़ी से। कन्नड़ी से आए हैं तो ये जैसे आप धान लेकर आए हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे सरकार कह रही है आप संतुष्ट हैं? ना ना सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया जी, किसान का मजदूर का भी कर दिया, आर्थिक को हमारा भी कर दिया जी, क्योंकि कल उनने कोई फैसला करा होगा सीएम ने, डिप्टी सीएम ने, भाई हमें 2% पता नहीं 3% मार्केट फीस कर चढ़ाइए, इससे किस मतलब मिलर है उसको ठीक रेट से ले लेगा। लेकिन कल 3 दिन से तो इसकी कोई बोली नहीं होती जी, पहले इनने सेलर वाले ने सीधी ली थी, वहाँ से इनने कमेटी वाले ने हटा दिया, अब यहाँ बोली होनी थी आज, वो बोली भी बंद है। अब जो चीज़ पिछली साल 3,2800 बिका करती वो 1,800 बिक रही है। अच्छा, 3 दिन से बोली बंद है? 3 दिन है, बिल्कुल 3 दिन से जमींदार है, धान का बिल्कुल धुम्मा उठ गया, क्योंकि यहाँ ना तो मजदूर पर कोई पल्ला वाली बात है, ना किसान पर, आड़ती और वो मिलर है वो खरीद नहीं रहे इसको। तो ये लाइव रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे कि किसान खुद आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो 3 दिन से तो यहाँ पर ये धान की फसल है और बता रहे हैं अभी भी कोई इनको मतलब कोई अधिकारी या किसी भी तरह का कोई आश्वासन भी नहीं मिला है। तो सर फिर जैसे सरकार कह रही है भाई किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने वो करें, तो फिर ऐसे 3-3 दिन तो आप बता ही रहे हैं, तो किस प्रकार ये फिर? देखो किसानों ने जो इसने अध्यादेश जो 3 लागू करे है, जो बिल पास करे है, इससे तो बिल्कुल वो मिलर से लेकर मजदूर तक ख़त्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं, भाई जो MSP बढ़ाया है इससे इनको सर भाई को गारंटी दी हो भाई इससे कम नहीं बिकेगी या ये रेट है इसका, कोई फिक्स नहीं कराया। ये तो एक्सपोर्ट होया करता माल जो दूसरे खाड़ी देशों में जाया करता, वहाँ मोदी ने ट्रंप के साथ उस दिन का समझौता किया, उन देशों में तो चावल जाना बंद हो गया, एक्सपोर्ट होया करता, इसलिए जो 4,400-4,500 पहले बिके थे आज से 8-10 साल पहले, वही दान आज 1,800 कोई लेने वाला नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने जो ये अध्यादेश कराया इससे सारा वर्ग भयभीत कर दिया, ना तो मिलर, ना को आड़ती, ना किसानों पर तो फिर भारी मार पड़ी। मार इतनी है जी, जो हमारी 70-80 हज़ार रुपये की फसल होया कर दी धान की, वो आज 30-35 हज़ार पर आकर टिक गई जी, और कोई और चीज़ें बाजार में आप देख लो आई साल 20% 30% इससे लागत। मुख्यमंत्री दूसरे चौटाला तो कह रहे हैं कि किसान इसको समझ में आएगा। देखो ये तो जो दुष्यंत है ये तो सौदेबाज बंदा है, ये लीडर तो है नहीं, पहले तो इसने गरका सौदेबाजी करी, फिर इसने बीजेपी से सौदेबाजी करी, बीजेपी के खिलाफ जो मुहिम थी लोगों ने जो मत कराया था उसको इसको विरोध का वोट मिला था, लेकिन उनके साथ सांठ गांठ करके सौदेबाजी करके उसको समर्थन दे दिया। ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई लीडर नहीं है दुष्यंत, ये तो सौदेबाज बंदा है। इसको ये किसान थे जैसे आप देख पा रहे हैं, और भी किसानों से बात करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसे यहाँ पर किसान है जो सीधी आप की बात करवाएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि किसानों को किस प्रकार की दिक्कत नहीं। सर जैसे यहाँ धान की फसल आ गई है तो किस प्रकार किसानों को परेशानी हो रही है? किसान बहुत परेशान है जी, 7-7 दिन से यहाँ बैठे हैं, कोई इनका खरीदार नहीं है, जबकि सरकार का रेट तो है 1900 के ऊपर, 2000 के करीब तय किया है अभी, और यहाँ किसान 1700 रुपये भी कोई रेट देने के लिए तैयार नहीं है व्यापारी इसका, तो कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, कोई प्रशासन नहीं है। अब एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमें MSP रेट जो है उसके ऊपर किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं कि एक एक दाना खरीदेंगे, ये अभी तो जीरी आनी भी नहीं शुरू हुई, अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ मंडी के अंदर। हाँ जी रुल रहे ये दाना तो, हाँ ये तो दाना तो रुल ही रहे, 7 दिन हो गए, ये तो वैरायटी भी ऊंची है जिसका रेट 3 साल पहले 3200-3300 रुपए बिकी है यही धान की फसल, और पिछले साल ये 2700 रुपए बिकी है, अब ये 1700 रुपए भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये जो बदहाली है किसान का सीधे तौर के ऊपर 1000 रुपए घाटा पिछले साल से, तो ये कहाँ से भरपाई होगी? पहले से वो कर्जाऊ है और ठेके का जो रेट है वो भी ठेके पे लेकर के बोई हुई है, तो किसान के सामने तो आत्महत्या के सिवाय को रास्ता नहीं बचा है। तो आर्थिक स्थिति डाउन हो जाएगी इस हिसाब से? बिल्कुल आर्थिक स्थिति और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और ये जो 3 अध्यादेशों की जो बात चल रही है इनको कानून बना दिया, उनका असर आज ही हम मंडी के अंदर देख रहे हैं कि इसका कोई खरीदार नहीं है, और
थोड़े दिनों के बाद जब ये मंडी भर जाएगी, 10 दिन के बाद दूसरी जीरी आम जीरी आ जाएगी, तो यहाँ कौन इसको पूछेगा? ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है अध्यादेशों का असर है। मतलब जो धान पिछले साल 2700 रुपये था, आज उसको 1700 रुपये खरीद रहे हैं। और अमेरिका के कहने से ये जो हमारी सरकार ने नीतियाँ जो लागू कर रही है, देश के किसान को मार रही है। अमेरिका ने कह दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदना है, तो भारत सरकार ने फैसला कर दिया कि नहीं खरीदेंगे। तो ईरान जो हमारी इस ये बासमती को खरीदता था, चावल जो लेता था, उसने चावल लेना बंद कर दिया। सरकार तो पहले भी नहीं खरीदती थी, MSP रेट तो इसका पहले देती नहीं थी। तो मतलब सीधी मार जो है वो किसानों के ऊपर पड़ रही है, उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यारी अमेरिका से, तो नुकसान जो है हरियाणा के देश के किसानों का सरकार ये कर रही है। तो इन अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश के अंदर गुस्सा है, और 25 तारीख को पूरे देश के किसान जो है सड़कों के ऊपर आएंगे, और यहाँ टोहाना इलाका के किसान भी इस मंडी के अंदर इकट्ठे होंगे और पूरे देश के किसानों के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और 235 किसान संगठन जो हैं इस 25 तारीख को शामिल होंगे और सरकार को चेतावनी देंगे, और आगे के आंदोलन की जो रूपरेखा होगी उसके लिए भी हमारी जो किसान सभा है, हिंदुस्तान सत्र की किसान सभा है, 2 करोड़ हमारे सदस्य हैं, सबसे बड़ा संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये लड़ाई बहुत तीखी होगी और सरकार अभी कोई मुड़ने के मूड में नहीं है। सर, प्रदेश के चीफ जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी, उनका भी बयान आया अभी, वो कह रहे हैं सर किसान इनको पढ़े गहराई के साथ, किसानों को पता लगेगा फायदा है। नहीं, किसानों ने तो पढ़ रखा है जी, जिस चीज़ का सरकार MSP रेट पे खरीदती नहीं है उसकी हालत क्या है। आलू और प्याज 2 महीने पहले किसान से 6 रुपये 7 रुपये खरीदा था व्यापारियों ने, आज वो 50 रुपये 60 रुपये किलो आ रहा है। दिवाली अभी नज़दीक आने वाली है, तो जो पकौड़े हैं वो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे, 100 रुपये किलो तक लेके जाएंगे। अभी अपने यारतिया इलाका के अंदर सरकार ने कहा था कि वहाँ धान की फसल नहीं लगानी, पानी खत्म हो रहा है, और खट्टर साहब ने ये कहा था कि आप मक्की बो, मक्की का बहुत फायदा है। कुछ लोगों ने मक्की बोई, 1760 रुपये MSP रेट था मक्की का, और 700-800 रुपये इसी मंडी के अंदर किसानों की मक्की बिकी है। तो कैसे विश्वास करेंगे किसान की सरकार MSP रेट के ऊपर जब मंडी खत्म हो जाएगी। अब टैक्स तो मंडी के अंदर कोई माल बेचेगा तो यहाँ तो टैक्स लगेगा व्यापारी के ऊपर, और अगर बाहर से खरीदता है तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ व्यापारी कौन आएगा खरीदने के लिए? तो बाहर से खरीदेंगे, तो कंपनियों को मालामाल करने का सवाल है। तो इसमें कोई गंजाइश नहीं है, जो हरियाणा सरकार कह रही है या हमारे दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं वो पूरे तौर के ऊपर कंपनियों के हाथ में खेल रहे हैं और मलाई चाटने पे लगे हुए हैं, किसानों की उनको कोई चिंता नहीं है। ये स्पष्ट, तो ये आपने देखा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमने आपको यहाँ मंडी से किसानों की पीड़ा दिखाई है। सर, खुले खुले हो जाओ जी आप थोड़े से, तो हमारे साथ और भी काफ़ी किसान, आप देख सकते हैं किस प्रकार जी इनकी पीड़ा है जो हम लाइव मंडी से दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार जो हमारे दर्शक सोचते हैं कि कोई राजनीतिक मंच है, यहाँ वहाँ पर भाषणबाजी होती है, लेकिन आप किसान की पीड़ा यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार, कोई 3 दिन से, और कभी अभी कितना टाइम लगेगा अभी कोई फिलहाल तय नहीं है। तो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जी गांव कनडी से आया हूँ जी, प्रेम सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा, मैं तो आप फसल लेकर फसल लेके आए जी, 1509 जीरी है जी, 2 दिनों से कोई भी मंडी में गाहक नहीं आ रहा जी। अच्छा। ना कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमारे को आकर पूछ रहे भाई आपकी पीड़ा क्या है। तो 2 दिन से टोहाना मंडी में बैठे हैं? हाँ, टोहाना मंडी में बैठे हैं जी, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है जी खरीद की, और ना किसी प्रकार की आगे भी हमें भाई कोई खरीदार आएगा। सरकार कह रही थी हम एक एक दाना खरीदेंगे, अब तो शुरुआत है जी जीरी की, अब देख लो जी शुरू में जीरी की व्यवस्था बहुत बुरा हाल है जी, एक दाने रुड़ते फिर जी मंडी में, कोई व्यवस्था नहीं है जी सरकार की। सरकार कह रही है एक एक दाना खरीदेंगे, मैं कह रही हूँ एक एक दाना रुलाने का काम करी है सरकार। कभी मुख्यमंत्री डिप्टी CM कह रहे हैं कि हम यानी MSP रेट पर खरीदेंगे, अब ये जीरी का 1500 का पिछले साल 2829 रुपये था जी, 3000 के करीब, अब ये 1700-1500 रुपये लेने में भी कोई तरह कहाँ गया जी MSP रेट, कहाँ गया आपकी सरकार की नीति और नीयत है। आप हर रोज TV पर आकर कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम कोई ये सारे किसान हैं जी यहाँ, लेकिन देता नहीं है। हाँ, कोई देता नहीं है जी, बिल्कुल ये ढकोसला कर रहे हैं जी डिप्टी CM भी, डिप्टी CM का डिपार्टमेंट है ये, और इसी के जितने भी डिपार्टमेंट है किसानों के इसी में रुड़ते फिर है। तो मुख्यमंत्री के तो पहले भी कोई किसान है ना, मुख्यमंत्री पे पहले कोई विश्वास नहीं करता, इस सरकार के कोई नुमाइंदे पे सरकार ये जमींदार विश्वास नहीं कर रहा, जमींदार है, मजदूर है, व्यापारी है,
अब व्यापारी में और इसमें सरकार में कोई तालमेल है, इसकी वजह से भी किसान पिट रहे हैं जी। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है जी धान खरीदने के नाम पर, सब ढकोसला कर रही है। क्या लगता है जब मंडी फुल हो जाएगी फिर तो और ये समस्या बढ़ेगी? फिर तो ये 1200 में खरीदेगी जी, जैसे यूपी में था ना बिना मंडी के, ऐसे ही हो जाएगा जी। मंडी की व्यवस्था नहीं है जी बिल्कुल, ये मंडी का जैसे बोर्ड टूट चुका है जी। मंडी का कोई भी कर्मचारी मार्केट कमेटी का या कोई SDM साहब से भी हमने बात की, SDM साहब कह रहा था मैं बोली की व्यवस्था करूँगा, लेकिन कोई भी व्यवस्था ना मात्र है जी, है ही नहीं कोई भी, एक भी देखने के लिए नहीं आएगी बिल्कुल, कोई भी देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया जी। ये तीनों अध्यादेश वो इसके किसानों के खिलाफ है जी बिल्कुल। ये MSP टूट गया ना, जो जमींदार की ये जो धान है ये 800 रुपए में भी नहीं बिकेगी। किसानों का आगे क्या रहेगा अगर सरकार किसानों का आगे ये 25 तारीख का फिर हम पूर्णतः हरियाणा बंद करने का काम करेंगे जी। और सरकार को चेतावनी देते हैं, या तो हमारी जिले की व्यवस्था अच्छी ढंग से करते, नहीं तो ईंट के ईंट बजाने का काम करेंगे जी। शुक्रिया। तो ये थे किसान, आप देख सकते हैं ये चारपाई है, देखो यहीं पर लगाई हुई है, क्योंकि किसानों को जो अपनी फसल लेकर आए हुए हैं वो यहीं पर रुकने को मजबूर है, क्योंकि किसी भी कोई अधिकारी या कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा और यहाँ आकर देखने तक की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं। तो और भी काफ़ी किसान, एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए कैसे धान के जो ढेर लगे हैं, हालांकि अभी पूरी धान मंडी में आनी शुरू नहीं हुई, जब पूरी धान मंडी में आ जाएगी उस समय की स्थिति क्या होगी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप कहाँ से आए जी? हम पंजाब से आए हैं जी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? हमने 18 तारीख से आए हुए हैं जी। अच्छा, 18 को आए थे आप, तो फिर अभी तक यहीं हैं? हाँ जी, इतनी बैठे हैं जी। तो क्यों सर ये कोई धान वाय लाए खरीद नहीं रहे जी? 1700-1800 खरीद रहे हैं जी, पिछले साल 2700-2800 बेची थी, हूँ इस करके बेच नहीं रहे। किसान दी फिर कमर टूट जानी है? हाँ जी, किसान बिल्कुल खत्म हो जाने जी, जो इन्हें कानून लागू किए ने बिल्कुल खत्म हो जाने। 70,000 नू किला साडा ठेके ते लिया है, ये जे 1700-1800 नू लाइए 20 क्विंटल की निकलू तो 37-38,000 की होगी, 35,000 रुपया तो ये ठेके का पहले पै गया, बाकी उपर खर्च भी आया है, खर्च तो अलावा 35,000 ये पै गया। ये तो सर जो बिना ठेके वाले है उनकी भी कमर टूट रही है, तो आप ठेके पे बता रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा नुकसान ये बच्चे ऐ ला लो जी। हूँ किसान है जो खुदकशियाँ क्यों कर रहे हैं? वो डाउन आ किसानी है जी बिल्कुल नीचे आ रही है, इसे करके खुदकशियाँ कर रहे हैं। किसान जो खुदकशी कर रहे हैं सिर्फ सरकार जिम्मेवार सरकार है किसान की खुद कुछ कर। नेता लोग अभी आपने बयान भी सुना होगा, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा किसानों के लिए, वो कह रहे हैं मैं दे दूंगा, लेकिन दे नहीं रही इस्तीफा। जी सरकार है तो हमेशा झूठ बोलती आ रही है, यह झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। इस्तीफा सरकार मोदी आप दे फिर पता लगे भी हाँ मैं किसानों के वास्ते इस्तीफा दे रहा, एक बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रही है। अच्छा सर, किसान इतना विरोध कर रहे हैं, काफ़ी किसानों ने कहा कि वो मर जाएंगे मतलब आर्थिक रूप से अगर ये कर, फिर भी सरकार क्यों इस पर तुली हुई है कि ये करना ही है? सरकार दे कन्न ते बिल्कुल जू नहीं सरकदी। ये जिवें हुण 25 तारीख का धरना, सारे लोग इकट्ठे हो गए, रेलां सड़कां जाम करनगे, फिर मोदी की कुर्सी हल्या हुण फिर सरकार नूं फिर पता लगेगा। तो सर अब जैसे आप देख रहे हैं अभी तो ये धान जो महंगे रेट वाली है ये कमी आई है, लेकिन जब वो नॉर्मल सब आ जाएगी फिर तो यहाँ पर बैठना ही मुश्किल। फिर तो जो हूँ सानू 5 दिन हो गया इतने बैठे, 18 तारीख के बैठे हाँ, जे 10 दिन जोर पाएगा फिर तो इतने बिल्कुल रुल जाएगा, किसी ने पुछना भी नहीं इतने, फिर तो सारी बर्बादी हो, एक उपरों मौसम खराब है, बिल्कुल बर्बादी हो जाएगा इतने। तो पूरे प्रदेश के लोग जैसे आपको देख पा रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे आप किसानों को भाई क्या करें, वो फंस गए हैं इस बीच में? हूँ फस गए जो हूँ उपरों मौसम खराब है वो भी बढ़ेगा, जो रोल रहे तो रोलेगी, हूँ जो फसल है वह तो कट्टनी पड़ेगी, पर इतने हैं जो 25 तारीख का धरना, सारी जनता यही अपील है पूरे ठोक कहन सड़क रेल सारे जाम कर दें, जो जो यदि मोदी की कुर्सी हिला देने ही फिर ठीक आएगा जी। शुक्रिया जी। तो आपने देखा ये किसानों की पीड़ा है, और आपने देखा होगा जो नेता लोग वो कह रहे हैं मैं किसानों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हूँ, कोई दूसरा कहता है मैं, लेकिन आज तक किसी ने ना तो इस्तीफा दिया, सिर्फ जो लॉलीपॉप है वो देने पर जो नेता लोग तुले। आपने देखा, हमने लाइव रिपोर्ट आपको टोहाना की अनाज मंडी से दिखाई है, और ये बिल्कुल किसानों की पीड़ा है, आप देख सकते हैं जो चारपाई है वो यहाँ पर इन्होंने लगा ली है, क्योंकि इनका एक दर्द है, ये घर भी नहीं जा सकते जब तक इनकी फसल नहीं बिकेगी। तो ये हमारी पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेता लोगों को पता लगे कि किसान की वास्तविक पीड़ा क्या है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें TBN न्यूज़ के साथ।